हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का फोर्थ लेसन द ओल्ड क्लॉक शॉप पढ़ेंगे। इट्स क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम थी एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानें बंद करने का समय हो रहा था। रेज ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन, रे की पुरानी घड़ियों की दुकान अभी भी खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट ओवर, और दो ग्राहक इस देरी के समय में वहाँ आ जाते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम, और जितने भी ग्राहक थे वो सभी अपने अपने घरों को जा रहे थे। ए थिक, एक मोटा वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए, यूएसए का जो साल्ट लेक सिटी था उसको बर्फ की एक मोटी चादर ने पूरी तरह से ढक लिया था। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, यहाँ तक कि एक पुरानी सी घड़ियों की दुकान थी उसमें अभी भी लाइटें जल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, जैसा कि बताया गया है रे इस दुकान का मालिक है और वह बहरा है और उस घड़ी पर काम कर रहा है जो आज ही कोई बेच कर गया था। Having finished his work, उसने अपना काम खत्म कर लिया। Ray stood up, Ray खड़ा हो गया and was on his way to back room, और कमरे के पीछे की तरफ चला गया। When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck, और पीछे से एक ठंडा हवा का झोंका आया और उसकी कमर पे टकराया। He turned to meet a last minute shopper, और वह तुरंत मुड़ गया क्योंकि एक आखिरी ग्राहक उसकी दुकान में आ गया था। But his old wise eyes told him that दिस वॉज नॉट ए शॉपर, परंतु वह बूढ़ा था और उसकी बुद्धिमान आंखों ने पहले ही उसे बता दिया था कि जो व्यक्ति आया है वह शायद ग्राहक नहीं था। ही सा टू मैन, वन इन हीज ट्वेंटीज द अदर क्लोजर टू 50, उसने देखा कि दो आदमी उसकी दुकान पर आए हैं, एक तो लगभग 20 साल का है और दूसरे की आयु लगभग 50 साल है। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, जो नौजवान व्यक्ति है वह अभी भी दरवाजे के बाहर ही ठहरा हुआ है। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बूढ़ा सा व्यक्ति है वो काउंटर के बिल्कुल पास आ जाता है और उसकी आंखों में किसी तरह की कोई मित्रता दिखाई नहीं देती है। रे वॉज एबल टू हाइड हीज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, रे ने अपने भय को छुपा लिया और धीरे धीरे एक नोट पैड और एक पेंसिल को काउंटर के आगे सरका दिया था। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और वह उसको देखकर मुस्कुराने लगा था। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और उसके बाद अपना सिर हिला दिया। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस, जैसे ही उसने ये किया उस आदमी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए थे। एज ही स्टडीड द नोट पैड देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने वह नोट पैड ले लिया और उसके बाद वह अपने मित्र को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ गया। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, रे को मौका मिल गया कि वह उस व्यक्ति को नजदीक से देख सके। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड स्लैश हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट, उसने देखा कि उसके जेब में शायद कुछ ऐसी चीज है जैसे गन हो, और उसका जो बेचैन हाथ है बार बार वह उस आदमी की राइट सीधी कोट की पॉकेट में जा रहा है। एंगर बॉइल्ड विद हिम, और वह जैसे क्रोध से जल रहा हो। बट इट वॉज नॉट केप्ट डाउन बाई हिज इनर वॉइस एंड दैट, परंतु उसने अपनी आवाज को अंदर से दबाते हुए कहा, बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, वह कुछ नोट पैड पर लिखेगा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहले तो उस आदमी ने रे की ओर देखा और मुस्कुराने लगा, एक क्रूवल, एक बड़ी ही निर्दयी मॉन्किंग स्माइल और मजाक करने वाली स्माइल, मुस्कुराहट थी। दे बोथ अंडरस्टूड Why he was there? वो दोनों समझ गए थे कि वो यहाँ क्यों आए। Why his friend remained at the door? और उसका मित्र दरवाजे पर ही क्यों ठहर गया है?
दे लुक्ड लाइक द मैन हु वर डाउन ऑन हिज लेक। और वे